बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से. आप बताइए कि रैंप वॉक के पहले कुछ नर्वसनेस होती है या एक्साइटेड होती है, आप बताइए. ऑफ कोर्स नर्वसनेस होती है, बट समटाइम्स आई एम ग्लैड दैट आई हैव डन दिस बिफोर. तो ऐसा नहीं होता कि मैं पहली बार कर रही हूं. बिफोर दे से गो, वो जो एक नर्वसनेस आता है वो होता है हमेशा, गूज़बम्प्स हमेशा होते हैं, बट बहुत मज़ा आता है वंस यू ऑन द रैंप. इनफैक्ट पता नहीं चलता है कब वो वॉक खत्म हो गई. एंड या आई एम हैप्पी दैट आई हैव डन दिस बिफोर बिकॉज आई नो सम सर्टेन ट्रिक्स हाउ टू हैंडल सर्टेन आउटफिट्स लाइक दिस लॉन्ग ट्रेल दैट आई हैड. Yes. She could twirl it so well because she's been a model. She could twirl the trail and she could walk with it very well. जी, she's wearing a very beautiful white lehenga. The whole lehenga is self on self embroidered with white thread work. It's a Lakhnavi lehenga and we've got a blouse which is very modern. So we've done like a fusion outfit for her. जी, सवाल ये है आपसे, इतना खूबसूरत outfit है. तो जब ये आप जाते हो तो एक excitement होती होगी क्या पहनने वाले हो, किस तरह का outfit. पता है यूजुअली ऐसा होता है कि डिज़ाइनर्स जो हैं वो ऑप्शंस लाते हैं जो उनको लगता है कि उनका शो स्टॉपर आउटफिट होना चाहिए. एंड द नाइस थिंग इज दैट अर्चना एक्चुअली जस्ट गॉट वन आउटफिट. शी विल शो मी द रेस्ट एंड आई डिड हैव टू सी द रेस्ट बिकॉज आई वाज लाइक दिस इज इट. आई थिंक ये आउटफिट देखते ही मुझे सबसे पहले लगा था कि काफ़ी डिफरेंट तरह का लहंगा है एंड थैंकफुली डिफरेंट लहंगा है. और ये ज्वेलरी जो है ये काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी डेलिकेट है. जिली एज अ ब्रांड इज़ वेरी फेमिनिन, इज़ वेरी यूथफुल. तो जो आउटफिट है वो भी उसके साथ जाने वाला होना चाहिए एंड आई थिंक दिस वाज द परफेक्ट आउटफिट. आई थिंक डायमंड एंड वाइट गो रियली वेल टुगेदर एंड आई थिंक शी इज कैरिंग इट सो वेल, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. जब आपको बताया जाता है कि कृति शो का तब क्या चल रहा है, किस तरह से डिजाइन करना है. जी, सो आई न्यू कृति इवन अर्लियर एंड आई थॉट दिस वुड लुक रियली नाइस ऑन हर. आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दिस वुड लुक रियली नाइस ऑन हर, सो आई डिजाइंड अ होल वाइट ऑन वाइट. शी इज अ वेरी सटल पर्सन, शी डजंट लाइक एनीथिंग लाउड, इवन अ हेयर एंड मेकअप इज नेवर लाउड. सो आई डिजाइंड हर एंटायर लुक वेरी सटल एंड आई थिंक शी इज कैरिंग इट आउट ब्यूटीफुली. आई हैव एक्चुअली वॉक्ड फॉर हर बिफोर एज अ मॉडल. यस, सो इट वाज रियली नाइस वॉकिंग फॉर हर फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ शो स्टॉपर. यस, इट वाज रियली नाइस हैविंग एज माय शो स्टॉपर एंड शी डिड एन एक्सीलेंट जॉब ऑफ कैरिंग द आउटफिट एंड द ज्वेलरी सो वेल. बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट मेरी रिहर्सल थी जो नहीं हुई और हमारा प्रेस कॉन जो था वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट था. तो आई हैव गिवन प्रेफरेंस टू यू ऑल ओवर माई रिहर्सल. आई एम नॉट रिहर्स एट ऑल एंड आई हैव जस्ट गॉन ऑन स्टेज लाइक दैट. अच्छा, क्योंकि मॉडल बन के ज़्यादा मजा आया शो स्टॉपर, किस तरह की फीलिंग, क्योंकि मैम ने बताया पहले. आई थिंक शो स्टॉपर जब मैं मॉडलिंग करती थी तब भी मुझे ये होता था कि मेरे को एक दिन मुझे शो स्टॉपर बनना है. सो आई थिंक वो हमेशा था मन में. सो नाउ इट फील्स रियली नाइस. यस, विशेस. एक एक आखिरी सवाल ही हमने अभी उन्होंने बहुत सारी बातें की. आखिरी सवाल ये कि हमने जो रणबीर कपूर और माहिरा खान की जो पिक्चर देखी स्मोकिंग वाली, बहुत सारी जगह पर ट्रोल की जा रही है. आप मानते हैं कि अगर आर्टिस्ट इस तरह से किसी भी पिक्चर को ट्रोल किया जाना चाहिए? मुझे तो लगता है, मुझे सीरियसली लगता है कि हमें पहली बार तो ट्रोलिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए. कोई भी इंसान जो मुझे जानता नहीं है वो मेरे बारे में कुछ भी बोले तो मैं इफेक्ट नहीं होती हूँ नॉर्मल लाइफ में. उसी तरह से हमें ट्रोलिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए और हमें इस इन टॉपिक्स पे कमेंट करके भी उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए. सो आई थिंक आई वुड एक्चुअली नॉट वांट टू कमेंट. बट एज अ सेलिब्रिटी आपको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं जो आप लोगों की प्राइवेसी होती है वो सोशल मीडिया के इतना ज़्यादा बढ़ने से कहीं ना कहीं उस पर बहुत इफेक्ट हो गया है? सी, आई थिंक सोशल मीडिया से तो हुआ ही है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग पापराजी खुद सब पिक्चर्स ना, पिक्चर्स तो एक्चुअली आप लोग डालते हो, वो सोशल मीडिया सब पे सर्कुलेट होती है वो अलग बात है, बट पिक्चर्स मीडिया डालती है. तो आई थिंक कभी कभी थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम नॉर्मल लाइफ में आम इंसान हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि हम नॉर्मली लाइफ जिए, बाहर घूम सके, जो करना है कर सके, जब हम वर्क नहीं कर रहे हैं. सो आई थिंक लिटिल बिट आई फील मीडिया शुड ऑल्सो सॉर्ट ऑफ पे अटेंशन टू द प्राइवेसी ऑफ पीपल. चलो, थैंक यू.